जा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में वहाँ से आके। बेचारी को शर्म आ रही है यार, शर्माने क्या नाम है आपका? कभी है नाम है। पिज्जा मंगवाया हमने, पिज्जा हमने नहीं मंगवाया मारी के पापा। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज का ब्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है और आज के ब्लॉग में देखते हैं क्या होते हैं। वैसे तो मुझे भी नहीं पता, बस आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो हो सकता है वहाँ का भी थोड़ा बहुत ब्लॉग देखने को आप लोगों को मिल जाए। और बस आप लोग देखो, इन्जॉय करो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग यहीं से। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। अभी जो है मैंने अपने कपड़े वगैरह तो प्रेस कर लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। अभी मैंने अपना ब्लॉग एडिट करा और उसके बाद मैंने सफाई वगैरह करी है, तो मैंने कहा सारे काम करके ऐसे ही होता है, फ्री होकर जाना पड़ता है। और ये अभी आई हैं नीचे फिर से काम कंप्लीट करवाने के लिए, बस यही चल रहा है अभी घर मेरा। तो मैंने कहा मैं तो अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, घर में रहूँगी तो बस यही देखने को मिलता रहेगा। तो अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। क्या देख रही हैं आप? ड्रेस देख रही हैं मेरा कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। ये मेरे साथ जाएगी अभी मुझे छोड़ने के लिए मेरी दोस्त के घर मम्मा के साथ। बस अभी मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग। अभी जो है मैं रेडी हो गई यहाँ पे, बिल्कुल रेडी हूँ। अब जो है हम जाते हैं और अभी बस मुझे यहाँ पे अबाया पहनना है, तो मैं अबाया पहनती हूँ। यस, तो मैं अबाया भी वेयर करती हूँ, ऐसा नहीं अबाया नहीं वेयर करती। जब ऐसी पैदल वगैरह कहीं जाना होता है तो अबाया लाजमी होता है, क्योंकि उसी में जो है ना बंदा कम्फर्टेबल रहता है। जब कार वगैरह में जाना होता है जब तो सही रहता है, लेकिन जब स्पेशली आपको पैदल जाना होता है ना तो अबाय में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं अबाय के बगैर नहीं जाती बाहर ना, जब ऐसे ही कहीं जाना होता है। तो मेरी फ्रेंड के साथ दूर नहीं है, करीब ही है, तो अभी मम्मा के साथ ही जा रही हूँ मैं वहाँ पे। तो इसलिए मैं अबाया वेयर करती हूँ अभी यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम चलते हैं। अलिया जा रही है मेरे साथ मम्मा के साथ छोड़ने के लिए। और यहाँ पे हमारे सांपे ने जो है अबाया पहन लिया है और इन दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ यार, ये मेरी ना ड्रेस के साथ का दुपट्टा है, तो मैं सोच रही हूँ यही पहन के चली जाऊँ। नहीं यार, छोटा हो रहा है, बाहर से रख लो या फिर मम्मा कोई दूसरा बड़ा दुपट्टा दे, क्योंकि एक दुपट्टा मम्मा भी अगर पहनेंगे। ये ले लो, मोटे वाला मैच भी है, मच बेटर। मच वेरी 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 बेटर। सापी मोटा लग रहा है तुम्हें? हां ऐसे सही है ना आंटी बन जाती। शॉपर में रख लो थे ना, ओ ना नहीं तो आप गलत पहन रहे हो सांपी, एक जगह से भी तो ऊपर करो। खैर हो गई, ऐसी पहन के चली जाती हूँ, यही नहीं करी तो घर मेरी दोस्त का कौन सा दोस्त है। इसको मैं रख लेती हूँ ऐसी के। चलते हैं फिर आप लोगों से, वहीं जाके मिलते हैं। और अभी मुझे एक जगह और भी जाना है, तो जाती पहले। आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा जाते जाते तबीयत पूछ लूँ। अब सही है तबीयत आपकी? चलें ठीक है यार, मैं जा रही हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में वहाँ से आके। सुकून होगा, अच्छा सुकून होगा यहाँ पे। सही है सोनिया, ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ ठीक है। ओके चलो, याद आएगी मेरा काम कौन करेगा? बस बेचारी को बस काम से मतलब है, काम कौन करेगा? बाकी मैं बाहर में जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लिख रही है टू सुहाना फ्रॉम, ये गिफ्ट है सांपे के दोस्त का। सांपे जा रही हैं और यहाँ पे टू फ्रॉम सुहाना। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं कट कर देती हूँ। मारिया सॉरी। Minutes later. अभी जो मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई हूँ और स्पेशली मैं अपनी फ्रेंड के घर आई थी उसको गिफ्ट देने के लिए, उसकी बर्थडे आई थी अभी, तो मैंने उसे गिफ्ट नहीं दिया था। और मैं कब से सोच रही थी आने के लिए, अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और आज मैं आई हूँ टाइम निकाल कर। तो अभी मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ यहाँ पर, ले लिया मैंने, तो अब इसको देते हैं। अभी वो गई है नीचे, अब वो ऊपर आएगी तो फिर मैं उसको गिफ्ट वगैरह दूँगी।
तो आज का दिन उसी के साथ गुजरने वाला है मेरा, फिर उसके बाद घर पे जाएंगे। अभी तो खैर अभी तो मैं आई हूँ घर पे, देखने कब जाना है। मेरे लिए पानी नहीं है ना, वो वहाँ पे गई है तैयार होने के लिए, क्योंकि अब हम पिक्चर्स वगैरह भी लेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता हम फ्रेंड्स मिले और हम पिक्चर्स ना लें। तो बाकी मैं पानी, यार मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, मैं पावर बैंक अपना साथ लेके घूमती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद अभी जो है आता है टाइम गिफ्ट देने का, तो अब मैं इनको ऐसे ही दे देती हूँ, छोड़ो खुद ही निकाल के देख लेगी। बेचारी को शर्म आ रही है यार, शर्माने की क्या बात है, आपका ये ले देखो तो सही निकाल के, तुम बस ये देखो मैंने तुम्हारे लिए लिखा क्या क्या इसके अंदर, और मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा यार, वहाँ पे लिखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मैंने क्या लिखा है। अच्छा मैंने ना पहले लिख दिया टू सुहाना आपकी प्यारी दोस्त, और फ्रॉम जो है ना फ्रॉम मारिया लिखने वाली थी, जबकि लिखना था टू मारिया फ्रॉम सुहाना। बस आपके देखिए ना बैलून साहब की बर्थडे के लिए मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह बोला। तो पसंद आया, बाकी खोल के देखना चाहिए, बताना फिर मुझे बाद में। तो मेन जो रीज़न था आने का वो यही था, मुझे गिफ्ट लेकर आना था, अब हम पिक्चर्स लेते हैं। अंदर अंदर पैसे रखे हैं कुछ ना कुछ मंगवा लेंगे पैसों का। हम आए थे छत पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो भाई धूप इतनी हो रही है, हमने कहा भाई दोबारा नीचे चलो ब्लॉग बना देते हैं, वो तो नीचे भाग भी गई है मैडम, तो नीचे ही चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आज। अब हम बैठे यहाँ पे सुकून से, हमने इतनी पिक्चर्स नहीं, हम बहुत ज़्यादा थक गए यहाँ पे। और अभी जो है मेरी फ्रेंड की मम्मा ने यहाँ पे हमारे लिए बनाई स्पेगेटी और मैक्रोनी, और उनके हाथ की जो स्पेगेटी होती है वो बहुत ही मज़े की होती है, तो अब हम यहाँ पे बैठ के वही खाएंगे। बाल बाल भी बांध लिए, अभी मैंने भी बांध लिए थे, गर्मी बहुत हो रही थी यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे खाते हैं। A few moments later, और यहाँ मेरी फ्रेंड के पास इतने छोटे छोटे से बच्चे, प्यारे प्यारे से बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए। क्या नाम है आपका? कभी है नाम है ये ना, मुझे देखी जा रही है बार बार, मुझे देख देख के शर्मा रही है। और ये आप इसके भाई हो? वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मैं ट्यूशन पढ़ने आया यहाँ पे, क्या हो रहा है। चलो आपको मैं पढ़ाऊँ ट्यूशन, मुझसे पढ़ोगी? देखता हूँ ब्राह्मण का। मैं टीवी पर आती हूँ, यूट्यूब पर आती है। बोले देखता हूँ, इसने देखा है मुझे, यूट्यूब पर आती देखना। चलाओ मैं आपको पढ़ाऊँ ट्यूशन, मुझसे पढ़ोगी? हैं नहीं यार, वो बेचारी कंफ्यूज हो रही है। मैं अपनी दोस्त की थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ यहाँ पे, इसको पढ़ा रही हूँ, इस बेचारी की आवाज़ ही नहीं निकल रही। क्या नाम है आपका? जल्दी बताओ अपना नाम। अरे बत्तख नाम है आपका? पबिया नाम है। मैं सभी पढ़ा रही थी, मैं से बत्तख तो अपना नाम भी बत्तख ही बता रही है यहाँ पे। पबिया नाम है आपका? अरे वाह, मुझे जानती हो? नहीं जानती। इतनी क्यूट हो, इतनी प्यारी सी हो। चलो आओ, अब इसके ऊपर कलर्स करोगी? कौन सा कलर करोगी इसका आप? निकालो, चलो करो ये वाला कलर कर लो। ये दोनों बहन भाई यहाँ पे पढ़ने आए हैं ट्यूशन के लिए, मैंने कहा मैं अपनी दोस्त की थोड़ी हेल्प करवा लूँ, वरना जल्दी जल्दी छुट्टी चाहिए आज आपको यार, देर से जाओगी घर। बोलती नहीं है, घर में बोलती है? घर में बहुत तेज बोलती है, अभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आपको आते है कलरिंग करना? आती है आपको? प्यारे से कलर करना, सही है, बाहर नहीं निकालना। चलो पहले ना मेरे पास भी एक बच्चा आता था ट्यूशन पढ़ने ना, तो उसको भी मैं ऐसे ही पढ़ाती थी, लेकिन अब वो नहीं आता, उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया अपने वजह से। ये मुझे ऐसे देखी जा रही है। चलो बस अब पढ़ो ब्लॉग्स वगैरह बाद में। अभी यहाँ पे एक और फ्रेंड आ गई है हमारी, पहले तो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, सारे बच्चे चले गए ट्यूशन पढ़ के, और वो बेचारे बहुत मज़े से, वो बच्ची पढ़ के गई यहाँ पे, मुझे देखी जा रही थी, पता नहीं क्यों शायद मुझे बच्ची लग गई। तो अभी यहाँ पे आई हमारी एक और फ्रेंड रुमैसे, इसको तो सभी जानते हैं यहाँ पे, या ऐसे हूँ थोड़ा हंसो स्माइल। ऐसे सीरियस आ रही है, और ये रुमैसे की बहन, क्या तुम्हें देख देख के बोर हो गए सब? तो कोई बात नहीं, मुझे भी देख देख के बोर हो गए होंगे यहाँ पे। और अभी हमने पिज्ज़ा ऑर्डर करा है, तो अभी यार पिज्जा हमें लोकेशन समझाना नहीं आ रही है यहाँ पे, अभी बाहर आई थी, लोकेशन पूछ रहे थे, अगर अभी आएगा तो जो है ना दे दियो। हमने पिज्ज़ा ऑर्डर करा था, हमारा पिज्ज़ा आ गया। ये तो कोई बात नहीं हुई, हमने अपने लिए तो हमारा पिज्जा आ गया है। हाँ करी थी याद है? कौन सी? वो पीने को ना बीच में से कट करा और ना ऐसे मिला दिया, और लगा ही नहीं कि बीच में से कट हुआ है। हाँ, वो हैक होता है, लाइफ हैक्स वगैरह करते हैं ना, तो उसमें वो जैसे चॉकलेट का भी करते हैं, वो एक पीस निकाल लेते हैं। मैंने ऐसे पिज्जा बनाया, अब मेरा दिल चाह रहा है यार थोड़ा सा खा लेती हूँ। अच्छा हाँ, मतलब पूरा बनाया पीसेस निकाल, उससे ना
मैंने लगा ही और भी इसमें काल से तवड़ा खा लो और पता ही नहीं है कि काटता है कि नहीं। सही है भी ऐसे कर। अभी हमने पिज्ज़ा ऑर्डर करा था लेकिन पिज्ज़े के जो पैसे थे ना हमारे के बाबा ने पिक कर लिया तो उन्होंने ही दे दिए थे तो हमारे पैसे बच गए थे। हमने कहा हम कुछ और छुपके से कर मंगवा लेते हैं और हमने जो है केक मंगवा लिया यहाँ पे। अभी दोनों जा रही है नीचे। हाँ चलो फ्लैश छोड़ बस, चलो चलो जल्दी चलो लाइट ऑन करो। हमारी आपा जा रही है पिक करने के लिए। फ्लैश बोल रही थी, आई थी फ्लैश ऑन कर दो दिखाओ। हमने मंगवाई है यहाँ पे पेस्ट्रीज को क्योंकि कुछ मीठा भी तो होना चाहिए ना। सब कुछ खा लिया मैं तो फुल हो गई। दिखा अब हमारी स्टार्ट होती है पार्टी। हम कब से वेट कर रहे थे। पिज्ज़ा मंगवाया हमने, पिज्ज़ा हमने नहीं मंगवाया मारिया के पापा ने मंगवा के दिया पिज्ज़ा। उसके अलावा केक, आपकी बर्थडे का केक यहाँ पर आ गया। सही है आज हम चले इन्जॉय करें। पहले नाइफ लेकर आ जाती, केक कटवा लेते अब से हम यहाँ पे। ओके चलो अब हम खाते हैं यार। आ जाओ आयशा आ जाओ, चलो निकालें एक एक करके निकालें सब। यार हमने दूसरा फ्लेवर मंगवाया था लेकिन ये व्हाट इज दिस बिहेवियर। ये है ना पी, मुझे बारबेक्यू लग रहा है। फजीता है। ओके लेट्स सी आप ही। अभी जो है हमने यहाँ पे सब कुछ खा लिया पी लिया, अब जा रही हूँ घर। और अभी जो है हमने खा लिया पी लिया, अब मैं जा रही हूँ घर। बहुत इंजॉय भी कर लिया और अभी टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया है तो चलें। ओके रेडियाँ रेडियाँ। या बेचारी स्कूल से आई है ना, ये भी नींदों में हो रही है। मेरी बहनें भी ऐसे ना नींदों में हो जाती हैं जब स्कूल से आती हैं। तो चलो चलते हैं अब हम घर। और हटना ज़रा कैसी आ रही हूँ है ना, अबाए में एक अलग ही लुक आता है ना। मेरा भी अच्छा, मुझे भी यार अबाए में बड़ा अच्छा लगता है, बंदा कंफर्टेबल रहता है अबाए के अंदर ना। तो खैर बाकी अभी घर पे चलता हूँ, फिर देखते हैं घर पे क्या हो रहा है। अभी जो मैं घर आ गई थी और अब मैं फ्रेश होकर बैठी हूँ, सुकून मिल गया यार। और बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करा। मेरी मम्मा पे भी जा रही पिता जुल्म हो रहा है, काम ही कर रही हैं जब से अब तक। अभी भी मम्मा काम कम्प्लीट नहीं हुआ, मिल गई थी शायद, आई थिंक सो, नहीं मिली। हाँ काम, हाँ मैं बच्चों ने मेरा बच्चन मुझे दोबारा दे दिया है। हाँ मम्मा अभी भी काम ही काम कर गया है, काम आखिरी काम है। सही है। और बाकी मम्मा इधर अभी काम ही कर रही है, रात के 10 बज रहे हैं अभी। और मेरी मुन्नी की तबीयत सही नहीं हुई यार। अब कैसी तबीयत है, मुझे तो सही नहीं लग रही अभी भी तबीयत, अभी भी थोड़ी थोड़ी ख़राब है। तो यार आप लोग दुआ करें सामिया जल्दी से सही हो जाए। तो बाकी आज का दिन हमारा अपनी फ्रेंड्स के साथ गुजर गया और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय भी करा। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, ऐसा होता है जब फ्रेंड्स के से मिलकर उनसे आते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं। अब आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और आई होप कि आप सब लोग ने इंजॉय करा होगा। एंड बस लाइक करिएगा आप लोग, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, वो तो बिल्कुल भी करना नहीं भूलना ना। तो बस फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, जब तक नहीं अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा।